यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। हम रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक एंटरप्रेन्योरशिप पर। हम कोशिश कर रहे हैं कीवर्ड्स को टच करके आपको कहानी के माध्यम से समझाएं। एंड लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हर देश यही चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। कैपिटलिस्टिक एंड डेवलप कंट्रीज में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री में तो स्टेट गवर्नमेंट ही एंटरप्रेन्योर है, स्टेट गवर्नमेंट ही सारे प्लानिंग करते हैं। सो जो कंट्री कैपिटलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जहां पर अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मैजिक ला पाएगा, क्योंकि रिस्क बहुत 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 ज़्यादा हाई रहेगा। जैसे आज के दिन में पाकिस्तान का हालत बहुत ख़राब है, तो अगर आप अपना पैसा पाकिस्तान में जाके लगाना चाहते हो कुछ बड़ा बिजनेस करने के लिए, तो हो सकता है आपको काम करने के लिए लेबर ही ना मिले, क्योंकि वहाँ पर तो लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है। तो कुछ कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप अपना हुनर नहीं दिखा पाओगे, हाई रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है। सो गवर्नमेंट को भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्राइवेट लोग अपना पैसा लगाएं, अपना समय लगाएं, रिस्क लगाएं, तो देश तो तरक्की करेगा ही, बट गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए। अब हमारा देश भारत जो है, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, जैसे रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर में है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी कुछ भी काम कर सकते हैं हमारे देश में। सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का रोल जो है बढ़ गया जब 1991 में इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, जिसे हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है कितने हाई स्पीड में कोई भी देश इनोवेशन कर रहा है। अब ये इनोवेशन कौन करेगा? ये इनोवेशन करेगा एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के कितने नंबर्स है आपके कंट्री में और कैसा क्वालिटी है? क्या हर आदमी वीरेंद्र सहवाग बन सकता है, हर आदमी सचिन बन सकता है? तो उस लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या? सो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट ऑफ प्रोग्रेस इन द सोसाइटी? तो अगर ये सवाल आ जाए कि एंटरप्रेन्योर्स आर एजेंट ऑफ प्रोग्रेस इन द सोसाइटी कमेंट, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर पता है। अब इंडियन इकोनॉमी का बात करें कि इंडियन इकोनॉमी इतना स्लो प्रोग्रेस क्यों कर रहा है या क्यों किया था शुरू के 40 साल ऑफ इंडिपेंडेंस में, क्योंकि शुरू के 40 साल में इंडियन एंटरप्रेन्योर थोड़े से पीछे थे, बट जैसे जैसे इकोनॉमी तरक्की कर रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं, हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं कि चलो कुछ कर दिखाते हैं। सो आज के दिन में 2023 में पीपल आर टेकिंग रिस्क, पीपल आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, पीपल आर एक्सप्लोरिंग द आइडियाज़, पीपल आर मेकिंग थिंग्स हैपन, and rest the country is changing. So entrepreneurship का need क्या है, तो हम उसे कुछ points में classify कर सकते हैं। Point number one is lifeline of a nation. So lifeline कह रहे हैं, entrepreneurs को lifeline कह रहे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा बात है। So development of entrepreneurship is so important in a country. If we do not develop entrepreneurs, the country will not progress. सो हर कंट्री अपने ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिले। सो एंटरप्रेन्योरशिप कितना अच्छा है आपके देश में, उससे आपका देश का तरक्की को हम माप सकते हैं। सो इनोवेशन का बात तो हम बहुत सारा कर चुके हैं, तो
सिंपल अगर हम बोले तो एंटरप्रेन्योर्स दे प्रोवाइड इनोवेशन, नया मार्केट, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया प्रोडक्शन का तरीका। सो ये सबके बीच में कौन है? एंटरप्रेन्योर है। बिजनेस आइडिया कौन कंसीव करता है? एंटरप्रेन्योर। उसे इफेक्ट में कौन लाता है? एंटरप्रेन्योर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन कराता है? एंटरप्रेन्योर। सो पॉइंट नंबर टू हम पढ़ रहे थे, प्रोवाइड्स इनोवेशन। पॉइंट नंबर थ्री आता है चेंज ऑफ ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ। सो चेंजिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो बदलता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आपका लीगल आता है, इकोनॉमिक आता है, पॉलिटिकल आता है, सोशल आता है, ये सारे तरीके के एनवायरमेंट बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट आता है, कंपटीशन भी आता है, फॉरेन कंपनीज से कंपटीशन आता है क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है। सो इन सब के बीच में कौन काम करता है? एंटरप्रेन्योर काम करता है। ये सारे चेंजिंग एनवायरमेंट के बीच में, जैसे हमने कहा था ना, आपका जहाज है समुद्र में, तो ऐसा चेंजिंग एवर डायनेमिक एनवायरमेंट के बीच में काम करने वाला बंदा जो है वो है एंटरप्रेन्योर। वो अपने एंटरप्राइज को तो चेंज करता ही है, बट वो एनवायरमेंट के हिसाब से, जो एनवायरमेंट में थ्रेट है, उस थ्रेट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अगर थ्रेट है और उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वीक है, कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी को भी हटाकर वो ताकत की तरफ बढ़ता है। इसे हम बहुत अच्छे से कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो वीकनेस को हटाओ, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और अपने स्ट्रेंथ के अनुसार जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है उससे मैच करो, और अगर कोई थ्रेट है तो अपने आप को बचाओ। सो ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और किस लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए? इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? प्रॉफिट बढ़ने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो हम क्लास सिक्स से जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो या तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा लो या कॉस्ट प्राइस को घटा लो। बट भैया, जो प्रोडक्ट मैं 20 रुपया का बेच रहा हूँ, मेरे पड़ोसी बनवारी भैया 18 रुपया का बेच रहे हैं, तो मैं कहाँ से 20 को 22 करूँ? तो क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस को बढ़ाना बहुत 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 ज़्यादा चैलेंजिंग है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट है। सो अब आपको क्या करना है? आपको कॉस्ट रिडक्शन के तरफ बढ़ना होगा। कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया जाए? कॉस्ट रिडक्शन जो कर ले, इसका मतलब है एफिशिएंसी के साथ काम करना होगा। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो फॉरेन कंपनीज के साथ इंडियन कंपनीज कंपीट नहीं कर पाए। आज भी चाइना से बहुत सारे गुड्स इंडिया में डंप किए जा रहे हैं क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज उस कॉस्ट प्राइस पे नहीं बना पा रहे हैं। सो कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग को गिराना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज। सो रिड्यूसिंग कॉस्ट इज द ओनली वे जिससे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती है दोस्त। एंटरप्रेन्योरशिप से सोशल बेनिफिट्स भी मिलता है क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में देना है तो ही एंटरप्रेन्योरशिप चलेगा। तो कम से कम अगर ऐसा सिचुएशन हो कि बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं और मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मेरे को समोसा बड़ा अच्छा लगता है, तो बहुत अलग अलग कंपनी समोसा, मिठाई, गुलाब जामुन, पाव भाजी कंपटीशन कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी कम दाम में दे रहे हैं, घर बैठे बैठे दे रहे हैं, भैया और क्या चाहिए। सो ये बेनिफिट्स मिलता है समाज को, सोसाइटी को। अब हम लास्ट लेवल पे आ गए हैं, मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स, मिथ्स मतलब जो लगता है कि ये सच है, बट क्या ये वाकई सच है? सो एक एक करके मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे। सो मिथ नंबर वन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गाई कावासाकी। गाई कावासाकी, गाय तो धीरे धीरे चलता, कावासाकी मोटरसाइकिल बड़ा फास्ट चलता है, ठीक है कोई बात नहीं। ये गाई कावासाकी जो है,
मैनी एंटरप्रेन्योर्स बिलीव अ सेट ऑफ मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप द मोस्ट कॉमन बीइंग। अब देखो ये मिथ्स है, मतलब मिथ्या। सो मिथ नंबर वन इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी। क्या एक्चुअली में इजी है? नहीं भैया नहीं, ये बहुत सोचने वाला बात है कि हाँ बिजनेस है कर लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे ठीक है। मगर जब हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। कंपनी को चालू करके, चालू रखना, चालू तो कर दिया, एग्जिस्टेंस पे तो ले आए, मगर इतना इजी नहीं है। एक सर्वे के अनुसार कंपनी को अगर हम 2000 में स्टार्ट किए हैं एंड 2007 आ गया है, सो ओनली 1/3 ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव अ न्यू कंपनी विद अ पॉजिटिव कैश फ्लो। सो 2/3 तो भैया बर्बाद हो जा रहे हैं, नहीं कैश फ्लो ला पा रहे हैं, सैलरी एंड एक्सपेंस नहीं दे पा रहे हैं। सो ये इतना इजी नहीं है, बट छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप फिर भी इजी है। सेकेंड मिथ जो है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। लॉट ऑफ मनी? नहीं, ऐसा बात नहीं। एक छोटा सा टिपिकल स्टार्टअप 1.5 लाख रुपए तक में भी स्टार्ट हो सकता है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट बिलीव द मिथ डिजाइन द बिजनेस टू वर्क विद लिटिल कैश। ठीक है, तो लिटिल कैश से कैसे काम करते हैं? खरीदते नहीं है, वो रेंट पे चले जाते हैं। एंड दे टर्न द फिक्स कॉस्ट इंटू वेरिएबल कॉस्ट बाई से पेइंग पीपल कमीशंस इंस्टेड ऑफ सैलरीज। तो शुरू शुरू में काम स्टार्ट किया कि देख भाई अगर बिकेगा तो तेरे को कमीशन दे देंगे, फिक्स्ड सैलरी हम नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है इन्फोसिस का, जो मात्र 10,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था। थर्ड मिथ इज स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस्ड विथ डेट। डेट मतलब लोन, और मगर ये मिथ है। डेट इज मोर कॉमन देन इक्विटी। इक्विटी मतलब खुद का पैसा, जहां पर आप ओनर होते हो, बट ऐसा नहीं है जी, डेट इज वेरी कॉमन। और लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूज डेट रादर देन इक्विटी टू फंड देयर कंपनीज, क्योंकि डेट का मतलब है कि हम पैसा चुका दिए, मालिकाना मेरे हाथ में रहा, जब मेरी कंपनी मुनाफा करेगी तो मेरे को मुनाफा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बट कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, ये तो समय समय और अपना अपना कंपनी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से पता चलता है। चौथा मिथ जो है, बैंक्स डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप्स। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को पैसे देते हैं। मिथ नंबर 5 इज कि मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेसेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब ये गलत बात है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का तो काम ही है कुछ हट के इनोवेट करना, राइट? सो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज पे जाते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टिंग बिजनेस इन एन इंडस्ट्री एंड द नंबर ऑफ कंपनीज फेलिंग इन द इंडस्ट्री इज 0.77। दैट मीन्स दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर पिकिंग इंडस्ट्रीज इन विच दे आर मोस्ट लाइकली टू फेल। सो महिमा मेहरा जो है, स्टार्टेड हाथी छाप। ये एक नया वेंचर था जहाँ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स वर ट्राइड टू मेक हैंडमेड पेपर। आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट दे फाउंड दैट एलिफेंट डंग हैड मोर फाइबर कॉन्टेंट विच मेड इट ईजी टू मेक हैंडमेड पेपर। सो ये अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स बुद्धि लगा के काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि दे स्टार्ट इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो सोचो कि काउ डंग से हैंडमेड पेपर बनाना, ये अपने आप में एक अलग ही सोच है। पॉइंट नंबर 6 में हम आते हैं, द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन बिजनेस ही चूजेस। नहीं, ये सिर्फ टैलेंट का बात नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। एज द इंडस्ट्री दैट एन एंटरप्रेन्योर चूजेस टू वर्क हैज अज इफेक्ट ऑन द ऑड्स दैट इट विल ग्रो। तो एंटरप्रेन्योर से ज्यादा कौन से इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो, किस समय पे घुस रहे हो,
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन 2000 में ये .com बड़ा ज़बरदस्त चला है। मोस्ट एंटरप्राइजेज आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली, ये भी गलत बात है। सो ये सब आप आराम से सेल्फ रीड भी कर सकते हो, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस है एक्साइटमेंट। अब जैसे स्टीव जॉब्स ने जब अपना एप्पल इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट किया एंड देन ही स्टार्टेड पिक्सार, जो एक सक्सेसफुल वेंचर बन गया, तो खुद का काम कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, ओरिजिनलिटी है, राइट, इंडिपेंडेंस है, रैशनल सैलरी है, फ्रीडम है। डिसएडवांटेजेस क्या कि खुद का बिजनेस में सैलरी का सिक्योरिटी नहीं रहता है, अगर बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है तो सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलता है। सो बेनिफिट्स जो है, खुद का काम कर रहे हो तो अपने आप को कम से कम बेनिफिट रखते हो भैया, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्टअप में है। वर्क शेड्यूल कुछ नहीं होता है, अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ चलो टाइम है, बट यहाँ तो 24/7 आप लगे हुए हो। एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही को करना है, राइट, और इनकॉम्पिटेंट स्टाफ भी रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो। सो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम बात करें तो सेल्फ डिस्कवरी है, खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एग्जामिन करते हैं, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को कि भाई क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है जो मैंने अभी तक सही तरीके से नहीं किया है, फिर जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़ यूजिंग क्रिएटिव एंड पास्ट एक्सपीरियंस टू डिवाइस न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मीट अ नीड, एंड देन नैरोइंग द फील्ड टू वन बेस्ट आइडिया। अपने पुराने एक्सपीरियंस को समझना है, प्लानिंग करना है कि पूरे वेंचर को, इस पूरे आइडिया को एक वेंचर में कन्वर्ट करना है, रिसर्च करना है, बिजनेस प्लान को सही तरीके से लिख लेना है और फिर स्ट्रैटेजीज बनाना है। अब लिख लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया, अब कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो अट्रैक्ट करो इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, पार्टनर्स बनाओ और कुछ प्रोटोटाइप्स बनाओ, मार्केट टेस्टिंग सर्विसेज देखो, यूज़ करो, समझो, समझाओ। उसके बाद आप जब पैसे वैसे मिल गए हैं तो स्टार्टअप में आ जाओ, लॉन्च करो अपने वेंचर को, कस्टमर बेस डेवलप करो, मार्केटिंग को एडजस्ट करो और ऑपरेशनल प्लान्स देखो, कैसे क्या ऑपरेट करना है आपको, किस तरीके से, किस स्पीड में करना है। फिर ग्रोथ आता है, ग्रोइंग द बिजनेस, डेवलपिंग एंड फॉलोइंग द स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो आपने बनाया था, अडेप्टिंग टू द न्यू सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कई बार प्लान जो आप बनाते हो वो उसी हिसाब से काम होगा ज़रूरी नहीं है, तो यू शुड बी रेडी टू अडेप्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज हार्वेस्ट। अब ये वर्ड हार्वेस्ट आता है, किसान जब खूब खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, लास्ट में फसल को काटते हैं, यू नो, काटने का मतलब है कि चलो हमारा सारा मेहनत सही हुआ, अब तो भाई आम का फसल अब बेचेंगे, धनाधन, अल्फेंजो मैंगो वाला बात याद आ रहा है। सो सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फॉर मेनी एंटरप्रेन्योर्स, दिस ऑल्सो मीन्स मूविंग ऑन टू न्यू वेंचर एंड न्यू चैलेंजेस। ये न्यू वेंचर एंड न्यू चैलेंजेस का मतलब ये है कि चलो इस बार आम लगाएं, अब पपाया लगाते हैं या कुछ और फ्रूट्स लगाते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि ये बेसिकली ये इनोवेटर्स होते हैं, दे लुक फॉर न्यू चेंजेस, तो ये एक जगह जाके अटकते नहीं हैं, दे कीप ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इनका सर्च इंजन ऑन रहता है कि कुछ नया करते हैं। सो दोस्तों, इस हार्वेस्ट पॉइंट से हमारा जीत होता है, हार नहीं, हार नहीं, जीत है, हम जीत गए हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, आपने ये पूरा ऑडियो नोट बड़े प्यार से सुना है, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी श्योर कुल मिला के लगभग हमने 90 मिनट्स के करीब यूज़ किया है। सो 90 मिनट्स में आपका चैप्टर नंबर 1 पूरे डिटेल्ड तरीके से, 1.5 घंटे में हमने डिटेल्ड तरीके से पूरा चैप्टर को पढ़ लिया है। सो अगर कुल मिला के 10-20 चैप्टर है, अगर 15-10 चैप्टर हो, तो 15 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटे का मेरा ऑडियो कंटेंट अगर आप पूरा सुनते हो तो आपको पूरा ध्यान से पूरा साल मिलता है आपको क्लास 11 में। सो आधा आधा घंटा करके, 15-15 मिनट करके भी अगर आप कंटेंट को सुनते हो, रिवाइज करते हो, रीड करते हो, क्वेश्चन करते हो, तो मेरे को पूरा यकीन है कि आप पूरे अच्छे से समझ जाओगे एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी हाई मार्क्स, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टेक योर क्वेरीज, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आपको यूनिक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, तो वहाँ से आप
जब भी पढ़ रहे हो, जब भी सुन रहे हो, आप मेरे से कुछ भी सवाल कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. बाय बाय.